न्यायालय के मुताबिक विजय दत्ता ही हैं गुना के कलेक्टर। बच्चे भी मानते हैं स्कूल की बात। गुना के कलेक्टर कौन है चौंकिए मत, यह प्रश्न आपकी जनरल नॉलेज को परखने के लिए नहीं किया जा रहा, बल्कि मन में उठने वाले उस संयस को दूर करने के लिए करना पड़ रहा है जो एक नामचीन विद्यालय में उत्पन्न किया जा रहा है, क्योंकि यह विद्यालय श्रेष्ठता और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित होता है। यहाँ एडमिशन पाकर न केवल छात्र छात्राएं धन्य होते हैं बल्कि उनके अभिभावक भी अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहर के केंद्रीय विद्यालय की, जिसकी प्रबंध संचालक समिति का अध्यक्ष के तौर पर आज भी गुना से स्थानांतरित हो चुके कलेक्टर विजय दत्ता का ही नाम दर्ज है। अब यह सवाल उठना तो स्वाभाविक है कि जो स्कूल उत्कृष्ट शिक्षा के लिए जाना जाता है वह कोई गलत जानकारी कैसे उपलब्ध करा सकता है। भ्रम पैदा कर रहा है विद्यालय। कोई भी शिक्षण संस्थान बच्चों को सभी प्रकार की महत्वपूर्ण शिक्षा देने के लिए होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है समसामयिक और तत्कालिक जानकारी से परिपूर्ण होकर, साथ ही अपडेट रहने को भी जानकारी दी जाती है। अब अगर केंद्रीय विद्यालय में कोई शिक्षक अपने छात्रों से पूछे कि बताइए हमारे गुना जिले के कलेक्टर साहब का नाम क्या है, और वह कह दे कि श्रीमान विजय दत्ता हैं, तो फिर क्या विद्यालय उसे पुरस्कृत करेगा या दंडित करता है? तो क्या यह स्कूल द्वारा दुराचारित्र नहीं है, क्योंकि यह जानकारी बच्चों ने स्कूल से ही तो प्राप्त की है। कलेक्टर होता है पदेन अध्यक्ष। केंद्रीय विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष सदैव पदेन कलेक्टर होता है, यानी जो भी व्यक्ति तत्समय कलेक्टर के पद पर आसीन होगा वह स्वयं ही विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष हो जाएगा। अब यह बात किसी को बताने की जरूरत नहीं कि वर्तमान में गुना के कलेक्टर भास्कर लक्षकार हैं। यह बात तो बच्चे बच्चे को मालूम है, लेकिन ननिहालों का उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए कृत संकल्पित और उन्हें दुनिया की जानकारी देने के लिए स्थापित केंद्रीय विद्यालय को शायद मालूम ही नहीं।